वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे आते हैं तो दो तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको गिवन होता है। या तो आपको दिया होता है एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है या आपका बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो पहली रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको बेसिक मीडियम में किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे इस बात को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हो गया है, एक केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी है और ये आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप नंबर वन जो होता है, उस स्टेप नंबर वन में क्या करता है, आप जितने भी एटम है हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालते हैं तब आपको पता चलता है किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस एटम का रिडक्शन हुआ है। तो स्टेप नंबर वन हमारा ये है कि आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन कौन से एटम की, जितने एटम है हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है और ये पता करना है आपको किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो आयरन 2 प्लस में है क्योंकि चार्ज है इसमें, तो आयरन पे आपका आयरन पे प्लस 2 चार्ज है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 हो गई है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस 1 में हो गया है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है क्योंकि सिंगल एटम में जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यहाँ पे आयरन पे प्लस 3 चार्ज है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है। हाइड्रोजन प्लस 1 हो गया और ऑक्सीजन मेरा माइनस 2 हो गया। और गिवन होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में कितनी होती है, माइनस 2 होती है। अब ये Cr2O7 है, अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस 6 आएगी, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आएगी। इस तरीके से मैंने जितने मेरे पास एटम थे इस पूरी केमिकल इक्वेशन में हर किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अगला काम क्या है, स्टेप नंबर वन में आपके पास जितने एटम हैं आप हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। दूसरा काम क्या है, आपको ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अगर आप देखेंगे आयरन यहाँ पे प्लस 2 में है जबकि आपका इस साइड में प्रोडक्ट में आयरन प्लस 3 में, इसका मतलब क्या हुआ है, आयरन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना से प्लस 2 से प्लस 3 में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन का तो आपका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि आपका क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 में आ गया है, क्रोमियम प्लस 3 से प्लस 6 में आ गया है। तो इसीलिए क्रोमियम का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। पहले स्टेप में आपको ये पता करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और आपको किसका रिडक्शन हुआ है, ये आपका स्टेप नंबर वन हो गया है। आपको क्या पता करना है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। जैसे इस रिएक्शन में मैंने पता किया है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। दूसरी इक्वेशन, दूसरा स्टेप जो होता है उस स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन की अलग हाफ सेल लिखनी होती है और रिडक्शन की अलग हाफ सेल लिखनी होती है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की हाफ सेल लिखूं तो आयरन प्लस 2 से कन्वर्ट हो रहा है आयरन प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका कितना यूनिट का, पहले आपको क्या करना है, ये जो हाफ सेल है ये कौन सी हाफ सेल, आपकी ऑक्सीडेशन वाली हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन की हाफ सेल है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये हो गया है Cr2O7 2 नेगेटिव से कहाँ पे आया है, ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव पे आया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास दोनों हाफ सेल आ गई हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको दोनों हाफ सेल को लिख देना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। और स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 हो गया है, स्टेप नंबर तीन में आप ये जो दोनों आपकी हाफ सेल होती हैं इनको बैलेंस करते हैं। इन स्टेप नंबर 3 आप दोनों जो हाफ सेल हैं उनको बैलेंस कीजिए। तो आयरन है, आयरन से आयरन कहाँ जा रहा है, आयरन 3 प्लस में जा रहा है, आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस में जा रहा है। तो आयरन अगर आप देखेंगे यहाँ आयरन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक आयरन है, राइट हैंड साइड में कितने आयरन है, एक आयरन है, आयरन बैलेंस है, हाँ आयरन बैलेंस है। प्लस 2 से प्लस 3 में जाने के लिए ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर तो ये इक्वेशन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, आपका नंबर ऑफ आयरन भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया है। जब आप देखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव से वो कहाँ जा रहा है,
ये यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी आर थ्री पॉजिटिव पे जा रहा है, यहाँ पे आपके पास दो सी आर है, यहाँ पे भी आपके पास दो सी आर है, क्लियर हो गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक इस इक्वेशन में यहाँ पे एक सी आर था, एक सी आर था, तो यहाँ पे आपके पास दो सी आर है, यहाँ पे एक सी आर है। अब यहाँ पे आयरन क्रोमियम कितना में है, प्लस सिक्स में है, और यहाँ पे कितना है, प्लस थ्री में है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको एक को कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे, तीन, क्योंकि आपके पास दो सी आर है, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, छः इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। मतलब क्या हो गया है, एक सी आर प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जाने में तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो दो सी आर प्लस थ्री प्लस सिक्स से प्लस थ्री में आने के लिए छः इलेक्ट्रॉन खाएंगे। तो आपको बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनों से इन इलेक्ट्रॉनों को काटना होता है। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों से ये इलेक्ट्रॉन तभी कटेंगे कि जब आप इस इक्वेशन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिक्स ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा मेरा। अब ये हो जाएगा मेरा सिक्स ऑफ आयरन टू पॉजिटिव प्लस ऑफ सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिक्स ऑफ एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ सी आर थ्री पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, चार्ज को बैलेंस कर, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे, राइट हैंड साइड में मेरे पास उतने इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है मैंने, कैंसिल कर दिया, और बाकी दोनों हाफ सेल को ऐड कर दिया है। अब मेरा वो एटम बैलेंस हो गए हैं जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। तो स्टेप नंबर चार में मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर चार में मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलावा जिनका जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो तो आपने बैलेंस कर दिया, उसके अलावा जो है उनको बैलेंस करना होता है। तो एसिडिक मीडियम में अगर आप यहाँ पे देखिए, एलएचएस हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, आरएचएस हो गया राइट हैंड साइड हो गया है। अगर आपको आरएचएस में अगर आप यहाँ पे एच टू ओ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप एलएचएस में एच पॉजिटिव ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में आप एच टू ओ को ऐड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, सेवन ऑक्सीजन है। तो मतलब यहाँ से आपको क्या निकालने होंगे, स्टेप नंबर फोर में आपकी इक्वेशन क्या है, एफ ई टू पॉजिटिव प्लस ऑफ सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव इज इक्वल टू सिक्स ऑफ एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ सी आर थ्री पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास सेवन ऑक्सीजन है, तो इस साइड को आपका कितना, सेवन एच टू ओ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप राइट हैंड साइड में एच टू ओ को ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में एच पॉजिटिव को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इस साइड आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 14H+ को जोड़ना पड़ेगा। और जब आप 14H+ को जोड़ते हैं, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, और वो स्पीसीज जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ था उनको मैं पहले ही बैलेंस कर चुका था। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में स्टेप नंबर वन पे आप जितने भी एटम इन्वॉल्व होते हैं सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, आप ये पता करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। स्टेप नंबर दो में आप दोनों हाफ सेल को लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को भी लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को भी लिखते हैं। स्टेप नंबर थ्री में आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। स्टेप नंबर फोर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हम H2O को जोड़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या जोड़ते हैं, एच पॉजिटिव जोड़ते हैं। ये तो हो गया है मेरा एसिडिक मीडियम में। लेकिन जब मेरा मीडियम क्या हो, बेसिक मीडियम हो, तो बेसिक मीडियम में कंडीशन बदल जाती है, और वो क्या कंडीशन होती है, उस इक्वेशन जब हम बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे तब हम इस चीज़ के बारे में बात करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बाकी लोगों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू।